अवैध नशे के विरुद्ध कोरबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 192 कैप्सूल एवं 15 नशीली इंजेक्शन जब्त कर एक आरोपी करा गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से मिले निर्देश पर कोरबा जिले में अवैध नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णा साहू को सूचना मिला कि पोरीभार निवासी चेतन कश्यप अपने घर में भारी मात्रा में नशीली टेबलेट एवं इंजेक्शन रखकर बिक्री कर रहा है, जिसकी सूचना पर चेतन कश्यप के घर पर जाकर दबिश दी गई, जिसके पास से 18 स्ट्रिप में स्पास्मो प्रोक्सीवोन नामक टेबलेट, कुल 144 नग, 6 स्ट्रिप में फाइवोन स्पास प्लस 48 नग, कुल 192 नग टेबलेट एवं पेंटाजोसिन इंजेक्शन 15 नग बरामद हुआ, जिसे विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र में पोड़ी बाहर में एक व्यक्ति चेतन कश्यप है, जिनकी उम्र तकरीबन 33 वर्ष के आसपास है, रहने वाले पोड़ी बाहर के ही हैं। इनके पास से नशीली टेबलेट करीब 192 टेबलेट, जिसमें स्पास्मो प्रोक्सीमोन और दूसरा पाइवोन स्पास प्लस और साथ में नशीले इंजेक्शन पेंटोजोसाइन एक इनके पास से बरामद किया गया है। ये काफी दिनों से ये रडार में थे और इनको लगातार इसमें पुलिस मुखबिर के लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। इस पे आज NDPS के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। आरोपी को पकड़ के रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। सर क्या